हाथ तो फील है ही नहीं रहे, पैर भी अभी धीरे धीरे थोड़े सुन्न पड़ रहे, लगातार वाइजर पर से हमें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 11:49 और आज है 22 सितंबर और हम लोग हैं किलोंग में, थोड़े से फंस गए। अभी पीछे हमारा रूम है और फंसे क्यों है वो आप देखो ज़रा। बाहर हो रही है काफ़ी तेज़ बारिश और सामने का जो व्यू है यार, मतलब कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, ऐसा है। और ऐसी बारिश में राइड नहीं कर पाएंगे हम लोग शायद। हमारा आज का प्लान था मनाली तक जाने का या फिर उसके आगे कुल्लू तक जाने का, बट अब लग रहा है कि हमें मनाली में ही रुकना पड़ेगा। अभी यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बारिश भी तेज़ है। क्या करना है, आगे जाना है कि यहीं पर रुकना है? जाएंगे, थोड़ा कम हो जाए पानी तो इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा बारिश कम हो उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर स्टेइंग इन दिस जिसपा होटल एंड रेस्टोरेंट, वाईफाई लिखा है, चलता है नहीं। सो ये है ब्यूटीफुल किलोंग की सड़कें और ऊपर पूरा बादल है, पहाड़ पे बर्फ भी गिरा हुआ है पर बादल की वजह से नहीं दिख रहा है। सुबह जब हम लोग उठे थे तो हमें क्लियर क्लियर दिख रहा था और अभी बारिश हो रही है अच्छी खासी तेज़ी से। हमारी स्पीड 40 के ऊपर हम नहीं जा पा रहे और क्लच मैंने अभी जब सुबह गाड़ी वो कोल्ड स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि ठीक ठाक है अभी हालत, तो मैंने कुछ भी एडजस्ट उसमें नहीं छेड़छाड़ किया। अगर अभी यहाँ भी इतना ठंडा है तो ऑब्वियसली अभी जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रोहतांग है वहाँ तो हालत ख़राब होगी और कुछ नहीं दिखने वाला है, स्नोफॉल भी मिल सकती है अगर ऐसा ही रहा तो। टांडी यहाँ से है 7 किलोमीटर जहाँ आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा आखिरी। अभी मेरी गाड़ी रिजर्व में है तो मैं अभी कराने वाला हूँ टैंक फुल, उसके बाद सीधे मंडी, तो मंडी में है शायद, मनाली में है। तो सामने जो आप अभी यहाँ ये ट्रक देख रहे हैं ये रोहतांग से आ रहा है, ये सामने ट्रक की हालत देखो भाई, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। चलो चेक पोस्ट तक चलते हैं और ऊपर का हाल आप देख लो क्या हो रखा है, पूरे बादल है, पूरा स्नो ही स्नो है और उधर सब पूरा का पूरा स्नो है, कुछ नहीं है विजिबिलिटी। हाँ देखो बर्फ, ये हालत है। चलो रोड पे ध्यान देते हैं, वीडियो भी बंद करते हैं, रोहतांग पे मिलते हैं। स्नोफॉल हो रही है देखो तो भैया, स्नोफॉल हो गई शुरू। हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया इस लद्दाख में। गाड़ी चला रहे बैठे, बस ब्लैक आइस का ध्यान रखना है भाई। लद्दाख इज गोइंग एक्सट्रीम। अभी हम लोग रोहतांग के लिए चढ़ रहे हैं, बर्फ देखो भाई कितनी तेज गिर रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा वाइजर पे बर्फ ही बर्फ जम रहा है। हाथ नहीं फील हो रहे, हाथ तो फील हो ही नहीं रहे, पैर भी अभी धीरे धीरे थोड़े सुन्न पड़ रहे, लगातार वाइजर पर से हमें। देखो तो गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। हाथ बिल्कुल जम गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हाथ है भी कि नहीं है, पता नहीं चल रहा है यार। एक्सट्रीम हो गया, रोकने को बोल रहे, रोकने को हिमांशु भाई शायद कुछ तो हैंड सिग्नल दे रहे हो सकते हैं, वीडियो बना रहे हो। पूरा बर्फ ही बर्फ है भाई, अंदर भी बर्फ जम रहा है यार। पूरे बर्फ से ढक चुके हैं, पूरे के पूरे कुछ नहीं दिख रहा है। पानी है आराम से, बर्फ पूरी अंदर आ रही है भाई। हल्का सा वाइजर डाल, हल्का सा, बहुत लो चला आगे झुका के। तो रोहतांग का अटेम्प्ट हमारा भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, नहीं कर पा रहे भाई, नहीं कर सकते यार, पूरा बर्फ से ढके हुए है देखो, पूरा जैकेट लाइफ और पूरा गाढ़ा लाइफ रिस्क नहीं करनी है यहाँ पे, पूरा सब ये बर्फ एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया और ये जो अभी बर्फ गिर रहा है ये रोड पे पूरा ब्लैक आइस हो गया।
इस पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, अभी स्पीड हम नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, वापस नीचे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे अभी। हाँ ये मिरर में आप मेरी हालत देख रहे हैं, क्या हो रखी है, पूरी की पूरी जम चुके हैं आगे से, कुत्ता बन गए भाई बर्फ का, ये सब पूरा जमा हुआ है नीचे, पूरी स्नोफॉल से पूरा एरिया ढक चुका है। अभी पीछे एक हमारा बंदा आ रहा है, हम उसकी हेडलाइट को देख पा रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। इंजन पकड़ लो। ओह बहुत ठंड है भाई। रोहतांग पास का अटेम्प्ट हमारा हो गया है फेल, और अभी अरे यार अभी तो हम जवान हैं, अभी से बुढ़े कर रहा दे रहे, ये बर्फ बाल सफेद कर रहा है। तो अभी वापस हम लोग होटल आ गए जिस होटल में थे, और बस थोड़े आसपास की शॉप्स एक्सप्लोर करने थोड़ा सा निकले हैं बर्फ में स्नोफॉल में, खाने पीने को कुछ अच्छा मिले गर्म गर्म। और ये साथ में अनुराज भाई, हालत टाइट हो रही है। यहाँ ज़्यादातर लोग छाता लेके चलते हैं या टोपी लगा के चलते हैं, अपने को छाता तो मिला नहीं, और जो रेनकोट था वो भी भीग गया था तो उसको डाल दिया है। गाड़ी देखो पूरी पूरी जम चुकी है बर्फ। लास्ट नाइट हमने यहाँ पे पार्किंग किया था, और वे वहाँ पे होटल है, कोई बर्फबारी कर रहा है, स्नो फाइटिंग किसके लिए करनी है। हाँ ये तो बताना भूल गया, अभी दो दिन के लिए अपन अच्छे इधर ही रुकना है। और ये घड़ी अपनी रज्जू, ये है डोमिनर, और ये है आरएस स्वीटी, इसका नाम है स्वीटी। भी होटल के अंदर आ गए, आग वाग तापते हैं। देखो यहाँ से देखो सामने पूरा, ये पूरा जो है सुबह हमने देखा था यहाँ पे बर्फ पड़ रही थी। ज़्यादा ठंड है और सब रूम में पड़े हुए हैं, एक मोमबत्ती जला करके थोड़ी सी कमरे में रोशनी करी है। और अभी व्लॉग के लिए पहले सोचा DSLR निकाले, बट फिर वही लाइट का इश्यू आता, तो अपने कहा फोन से ही करते हैं। 7:05 और हम लोग हैं अभी भी कीलोंग में ही, जिस होटल में थे जिस रूम में थे अभी भी उसी में है। खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी ये मंच लेके आया मैं, तो दो मंच खाऊंगा, स्टॉक इन लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, और 3 दिन तक ऐसे ही लगातार चलने वाला है शायद। वैसे तो अभी बर्फ गिरना कम हो गई है, तो मे भी कल सुबह अगर नहीं होगी तो हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे, और अगर सुबह सुबह हम लोग टाइम से निकल जाते हैं तो क्रॉस कर जाएंगे आराम से। जाते हैं थोड़ा बहुत खाना पीना खा करके सो जाते हैं, जल्दी ही सोना पड़ेगा क्योंकि और कोई काम तो है नहीं यहाँ करने को, लाइट है नहीं, कुछ चार्ज कर नहीं सकते, गाने सुन नहीं सकते, नेटवर्क आ नहीं रहा, फोन पे बात कर नहीं सकते, व्हाट्सएप चला नहीं सकते, मोमबत्ती जलाओ लाइट लगाओ बस सो जाओ, क्या करना है। चलो अब कल के दिन में मिलते हैं, तब तक हम मंच खाते हैं, जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 11:48 और आज है 22nd September, और हम लोग है ये भी दिखाना ब्लू पर
ओवर हो गया।